हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलोनी का स्वाद। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी जो कि बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही हेल्पफुल है सभी के लिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए। इस बदलते हुए मौसम में फ्रेंड, हर घर में सर्दी खांसी बहुत सारा मतलब वायरल काफ़ी कुछ रहता है, तो खांसी के लिए ये रामबाण उपाय है। अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे ना, मतलब हज़ारों रुपए की दवाई आपकी बच सकती है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है और घर में बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ली है 10 से 12 लौंग और काली मिर्च हैं, जितनी लौंग हैं उतनी ही काली मिर्च हैं। बस इन्हें हमें एक लोहे के बर्तन में हल्की आंच पर भून लेना है और इन्हें इस तरह से जब ये सफ़ेद सी हो जाए ना, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। इसका बहुत अच्छा एरोमा आएगा और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडे होने के बाद इस तरह से एक खलबट्टा लेंगे और इसमें हम ये सारे जो लौंग और काली मिर्च हमने लिए हैं इन्हें पीस लेंगे। इससे आराम से कूट जाती हैं, जब हम कूटेंगे तो ये आराम से मतलब काफ़ी अच्छे से बारीक हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा इसका। तो इस तरह से हम सारी इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे खलबट्टे में और आराम से, आप खलबट्टा ना हो तो आप सिल पर भी इसे पीस सकते हो और इस तरह से हम इसका पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है, बस पाउडर बना के रख लीजिए और जब ज़रूरत हो बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड कीजिए और आप इसे दे सकते हैं जिसे भी देना है। बच्चे से लेकर बड़ों तक ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इस तरह से देखिए, मैंने पूरा इसका पाउडर बना लिया। देखिए, ज़रा सा हल्का हल्का सा हम इसे प्रेस कर रहे हैं तो आराम से इसका पाउडर बन जा रहा है, क्योंकि लौंग और काली मिर्च जो हैं वो अच्छे से भुन चुकी हैं। तो एक डोज में ही इसमें बहुत आराम मिल जाता है। ये देखिए, पूरा पाउडर मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अगर आप इसे चाहें तो छान भी सकते हैं, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप ये दे सकते हो, आराम से उंगली से चटा सकते हो। बहुत मतलब अच्छा होम रेमेडी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो ये देखिए, तैयार हो गया है पाउडर और अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे बाकी के इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे। आप इसे फ्रेंड बनाकर मत रखिएगा, लिक्विड इसका पाउडर आप बना के रख सकते हो, लेकिन जो हम रेमेडी बना रहे हैं इसमें और भी इंग्रेडिएंट ऐड होंगे, तो उसे आप बनाकर ना रखें क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। ये देखिए, इतना सारा पाउडर बन के तैयार हो गया और ये काफ़ी दिनों तक चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा डलता है, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होता है ये। बस इसकी 1/4 स्पून हमें लेनी है और ये कम से कम 1 से 1.5 चम्मच पाउडर बनकर तैयार हो गया है, 10-12 लौंग और 10-12 काली मिर्च में। और अब देखिए, इसका हमने ये मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसका थोड़ा सा पार्ट हम लेंगे, 1/4 टी स्पून। एक दिन के लिए आप इसे बनाकर रख सकते हो, पूरा दिन आप इसे जैसे चटनी हम चाटते हैं ना, उस तरह से आप इसे चाट सकते हो बनाकर, बच्चों को भी बोल सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये, बिल्कुल भी मतलब मिर्च नहीं लगती है इसमें कि बच्चे नहीं खा पाएंगे, मिर्च बिल्कुल इसकी ख़त्म हो जाती है भुनने के बाद। तो 1/4 स्पून मैंने वो लिया है और 1/4 स्पून ही मैंने काला नमक ऐड किया है इसमें, और इसमें डाल रहे हैं हम 2 चम्मच शहद। ये मैंने, आप 1 चम्मच बना लीजिएगा, जिस चम्मच से आप जो चीज़ ले रहे हो उसी चम्मच से हमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। 1/4 टीस्पून पाउडर लिया है लौंग काली मिर्च का, 1/4 टीस्पून काला नमक लिया है, 2 चम्मच शहद लिया है और 1/4 टीस्पून ही मतलब 1/4 चाय का चम्मच ही हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है। सिर्फ ये 4 चीज़ों से ना आप हज़ारों रुपए की दवाई को बचा सकते हो फ्रेंड, और ये बहुत अच्छी रेमेडी है। पर्सनली मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ। हम लोग जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बनकर तैयार है और बस इतना सब पूरे दिन के लिए हो जाएगा। फ्रेंड्स, सारी चीज़ें ये ध्यान रखिए प्योर होनी चाहिए, इनमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना।